जल जमीन जंगल, यह नारा बना था गोंड जाति के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो निजामों ने हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तब अंग्रेजों के साथ मिलकर निजामों ने हैदराबाद पर अपना शासन जारी रखा। निजामों ने 1720 से 17 सितंबर 1948 तक हैदराबाद पर शासन किया। उनके प्रथम राजा कमरुद्दीन खान और अंतिम उस्मान अली खान थे। बात उस समय की है जब निजाम सरकार के जागीरदार सिद्दीकी के आदिवासियों या गोर समूह पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। निजामों ने अधिक कर लगाकर आदिवासियों की जमीनें छीन ली थी। उस समय एक युवक ने अत्याचारों को न सहते हुए निजामों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और निजाम सरकार के जागीरदार सिद्दीकी की हत्या कर दी। उस युवक का नाम था कोमराम भीम। कोमराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 में आसिफाबाद, जिसको बाद में आदिलाबाद नाम दिया गया, जिले के संकेपल्ली गांव में हुआ था। उस समय यह क्षेत्र आसफ जाही के नियंत्रण में था। कोमराम भीम ने सिद्दीकी की हत्या इसलिए की थी क्योंकि जब वह 19 वर्ष के थे तब निजामों ने उसके पिता की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी, जो कि आदिवासियों के हक के लिए लड़ रहे थे। पिता की मृत्यु के बाद कोमराम भीम का परिवार केरीमेला गांव में जाकर रहने लगा, जहां पर सिद्दीकी की हत्या के बाद अब निजामों ने कोमराम भीम को मारने की साजिश रची और उसकी खोज शुरू कर दी, जिसकी वजह से कोमराम भीम को अपना गांव छोड़ना पड़ा और वे अपने दोस्त कोंडल के साथ चंद्रपुर तक पैदल ही भाग गए। विटोबा नाम के एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने उनकी मदद की और उन्हें रेलवे स्टेशन से अपने साथ ले गए। विटोबा उस समय अंग्रेजों और निजाम के खिलाफ एक पत्रिका चला रहे थे। कोमराम भीम ने विटोबा के साथ रहने के दौरान अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सीख ली थी। थोड़े दिनों बाद विटोबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और प्रेस को बंद कर दिया गया था। वहां से जाने के बाद वह मनचरियाल रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति से मिले, जो उन्हें चाय और कॉफी के बागानों में काम करने के लिए असम ले गए। उन्होंने चाय बागानों में श्रमिकों के अधिकारों के लिए प्लांटेशन मालिकों के खिलाफ भी विद्रोह किया और इस संघर्ष के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। 4 दिनों के बाद भीम जेल से भाग गए। असम रेलवे स्टेशन से वह एक मालगाड़ी में सवार होकर बल्लार शाह पहुंचे। जब वह असम में थे तो उन्होंने अल्लूरी सीताराम जू के बारे में सुना था, जो जंगल में आदिवासी संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने रामजू गोड़ के संघर्षों को याद किया और निर्णय लिया कि वह आदिवासियों को उनका हक अवश्य दिलाएंगे। कोमराम भीम हमेशा आदिवासियों के बारे में ही सोचते रहते थे। 5 साल बाद वह वापस लौटे और सरदापुर गांव में रहने लगे, जहां उन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया और जोधे घाट के क्षेत्रों में गोरिला आर्मी को तैयार किया। इस तरह कोमराम भीम 12 गांवों में शासन करने लगे थे। गोंड के विद्रोह की शुरुआत बेबेझारी और जोधे घाट जमींदारों पर हमला करने से हुई थी। इस विद्रोह के बारे में पता चलने के बाद निजाम सरकार घबरा गई और उन्होंने कोमराम भीम के साथ बातचीत करने के लिए आसिफाबाद के कलेक्टर को भेजा और आश्वासन दिया कि उन्हें जमीन का पट्टा दिया जाएगा और अतिरिक्त जमीन कोमराम भीम को शासन करने के लिए दी जाएगी। लेकिन भीम ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और तर्क दिया कि उनका संघर्ष न्याय के लिए है और निजाम को उन लोगों को रिहा करना है जिन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है, एवं उसी समय उनकी जगह छोड़ दे, और उन्होंने स्वशासन की अपनी मांग पर जोर दिया। गोंड आदिवासियों ने अत्यंत लगन और नैतिकता के साथ अपनी भूमि की रक्षा की। कोमराम भीम के भाषण ने उन्हें भूमि, भोजन और स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। लोगों ने अपने भविष्य की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया। इस दौरान भीम ने नारा दिया, जल जंगल जमीन। निजाम ने भीम की मांगों को नहीं सुना और आदिवासियों का उत्पीड़न जारी रहा। जब निजाम सरकार ने भीम को मारने का निर्णय ले लिया तो ब्रिटिश सरकार की सहायता लेकर तहसीलदार अब्दुल सत्तार को इस क्रूर साजिश का नेतृत्व करने को कहा और कैप्टन अलीराज ब्रांड्स को 300 सेना के जवानों के साथ बाबेझेड़ी और जोधे घाट पहाड़ियों पर भेजा। निजाम सरकार उसे और उसकी सेना को पकड़ने में विफल रही, इसलिए उन्होंने कुर्द पटेल, जो कि आदिवासी समुदाय से ही थे, को रिश्वत दी और सरकार का मुखबिर बना लिया। कहा जाता है कि उसी ने भीम की सेना के बारे में निजामों को जानकारी दी थी। इस जानकारी के आधार पर 1 सितंबर 1940 को सुबह सुबह जोधे घाट में महिलाओं ने
कोमरम भीम की तलाश में आते हुए अपने गांव के आसपास सशस्त्र पुलिस कर्मियों को देखा तो उन्होंने कोमरम भीम को इसके बारे में अवगत किया। जब भीम ने यह देखा कि अंग्रेजों और निजाम सेना ने उनको चारों ओर से घेर लिया है और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो उन्होंने डटकर मुकाबला करने की ठान ली। अब्दुल सत्तार ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए भी उकसाया परंतु उन्होंने उनकी एक न सुनी और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। निजाम अच्छे से जानते थे कि कोमरम भीम आसानी से हार नहीं मानेंगे तो उन्होंने पूरे जोरे घाट में आग लगवा दी। 3 दिन तक चली इस लड़ाई में कोमरम भीम और उनके 15 साथियों ने बड़ी ही बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया और वीरगति को प्राप्त हो गए। तब से लेकर अब तक गोंड जाति के आदिवासियों के समूह कोमरम भीम को आराध्य मानते हैं। कोमरम भीम गोंड आदिवासी समुदाय के बीच अत्यंत सम्मानजनक स्थान रखते हैं और उन्हें एक देवता के रूप में माना जाता है। गोंड्स हर साल आसेवुजा पोवर्णी पर भीम की पुण्यतिथि मनाते हैं और इस दिन उनके जीवन और संघर्ष को याद करने के लिए चौदह घाट में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। लंबे संघर्ष के बाद उनकी मृत्यु के 72 साल बाद 2012 में कोमरम भीम की प्रतिमा हैदराबाद के टैंक बैंड में स्थापित की गई। भीम के बारे में कई इतिहासकारों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। कोई कहता है कि भीम एक राष्ट्रवादी वनवासी हिंदू नेता थे जिन्होंने निजाम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो कोई कहता है कि भीम हिंदू धर्म का समर्थन करता था और हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ता था। परंतु आदिवासियों का इतिहास हमें एक पूरी तरह से अलग ही कहानी बताता है और दर्शाता है कि निजाम के खिलाफ भीम का आंदोलन पूरी तरह से आदिवासियों के अधिकारों, भीम की पुनर्खरीद और स्वायत्तता की मांग से इनकार करने के कारण पैदा हुआ था। वह केवल अपने लोगों को बाहरी लोगों से मुक्त कराना चाहता था और न्याय और आत्मशासन के लिए लड़ रहा था। तेलंगाना सरकार ने उनके सम्मान में आसिफाबाद जिले का नाम कोमरम भीम आसिफाबाद किया है। तेलंगाना सरकार ने जोधे घाट को पर्यटन स्थान बनाने का फैसला किया है और ट्रैवल संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।